अंजू और कुक विद अंजू में आपका स्वागत है। आज हम मैंगो बर्फी बनाएंगे। मैंगो बर्फी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है एक बाउल में दो स्मॉल साइज के केशर आम का पल्प लिया है, उसी के साथ हमने एक चम्मच घी लिया है और दो चम्मच छोटे मिल्क पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर लिया है फ्लेवर के लिए, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा सूखा मेवा लिया है, उसमें हमने 5-6 काजू और 7-8 बादाम लिए हैं। एक बाउल हमने नारियल का बुरादा लिया है और आधा बाउल हमने पीसी हुई चीनी का पाउडर लिया है। ये सारी चीज़ें हमें मैंगो बर्फी बनाने के लिए लगने वाली है। तो चलिए सबसे पहले तो हमें ये जो सूखा मेवा है उसे घी में अच्छे से रोस्ट करके लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम गैस पे एक पैन रख देते हैं और जैसे ही हमारा पैन गर्म हो जाएगा हम उसमें आधा छोटा चम्मच घी डाल देते हैं। मैंने टोटल एक चम्मच घी लिया है, उसमें से आधा छोटा चम्मच घी हम जो हमारे ड्राई फ्रूट्स है उसे रोस्ट करने के लिए ले लेंगे। आप ड्राई फ्रूट्स मनपसंद अनुसार ले सकते हो, बट यहाँ पे मैंने 5-6 काजू और 7-8 बादाम का यूज़ किया है। अब हमें इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से घी में रोस्ट करके लेना है। एक 5 मिनट में एक धीमी आंच पे हम ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स है उसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे और इसे अब हम मिक्सर में उसका पाउडर बना के ले लेते हैं और फिर उसे हम एक बाउल में निकाल देंगे। यहाँ पे हमने जो हमारा ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है वो निकाल लिया है, आप देख सकते हो। उसी सेम पैन में अब हम हमारा जो मैंगो पल्प है उसे डाल देंगे। मैंने जो ड्राई फ्रूट सेक के बचा हुआ घी है उसी में हमें ये मैंगो पल्प डाल देना है इस तरह से। अब हम इसे एक चम्मच से चलाते हुए इस मैंगो पल्प को अच्छे से पकाएंगे जब तक इसका पूरी तरह से कलर नहीं चेंज होता है और ये जमने की कंसिस्टेंसी में नहीं आता है, तब तक हमें उसे पकाते रहना है और उसे बीच बीच में चलाते रहना। एक 5 मिनट मैंगो पल्प को अच्छे से पका लिया है, अब हम उसमें डाल देते हैं जो चीनी हमने पीस के ली थी आधा बाउल, वो अब हम इसमें डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम उसमें डाल देते हैं हमने जो मिल्क पाउडर लिया था वो डाल देंगे, जो आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर लिया था वो भी हम इसी में डाल देते हैं। मैंने 2 छोटी इलायची थोड़ी सी चीनी के साथ पीस के उसका फाइनली पाउडर बना लिया है और यहाँ पे हमने जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के रखा था वो भी हम इसी में डाल देंगे। अब हम उसमें 2 छोटे चम्मच मिल्क पाउडर डाल देते हैं। मिल्क पाउडर के जगह पे आप मावा का और खोया का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप 2 छोटे चम्मच मिल्क पाउडर डाल दीजिए ताकि जो हमारी बर्फ़ी में अच्छी जमने की कंसिस्टेंसी जल्दी से आ जाए और मिल्क पाउडर से अच्छे से बाइंडिंग भी होती है। अब हम इसे और ज़्यादा पका लेंगे। हमने यहाँ पे जो हमारा मैंगो पल्प है उसे 15 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। धीमी आंच पे हमें इसे पकाना है, अगर हम तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे तो ये नीचे तले में चिपक सकता है। अब हम इसमें हमने जो नारियल का बुरादा लिया था वो डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रोस्ट करके लिया था नारियल के बुरादे को, आप चाहो तो उसी तरह से उसे डाल भी सकते हो। अब हम इसे और एक 5 मिनट के लिए उसे चलाते हुए धीमी आंच पे पका लेंगे, आप देख सकते हो। एक 5 मिनट के बाद कुछ इस तरह से हमारी जो बर्फ़ी का मैंगो पल्प है वो जमने की कंसिस्टेंसी में आ जाता है और उसे हम चलाते रहेंगे कंटिन्यूसली ताकि ये नीचे तले में चिपके ना। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे बर्फ़ी के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए वो बन चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने देते हैं। यहाँ पे हमने एक केक टिन लिया है, आप देख सकते हो, आप चाहो तो कोई भी केक का मोल्ड ले सकते हो और नीचे मैंने उसमें सिल्वर पेपर डाल दिया है, आप कोई भी फॉइल पेपर उसमें डाल दीजिएगा। अब हम उसमें डाल देते हैं हमने जो मैंगो पल्प हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था वो इसमें हम सेट कर देते हैं इस तरह से, आप देख सकते हो। उसे हमने स्पैचुला की मदद से इवनली स्प्रेड किया है,
अब हम इसके ऊपर से हमने जो बादाम स्लाइस करके लिए थे, आप चाहो तो उस पर कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, या ना चाहो तो आप उसे ऊपर से चांदी का वर्क भी लगा सकते हो। इस तरह से हम बादाम को ऊपर से डाल देते हैं और उसे अब हम दबाते हुए इस तरह से, ताकि जो ड्राई फ्रूट्स है वो बर्फ़ी को अच्छे से चिपक जाए, इसे हम फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसके पीसेस निकालेंगे। 1 घंटा हो चुका है और जो हमारी बर्फ़ी है वो पूरी तरह से जम चुकी है, तो अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। 1 प्लेट लेंगे और उस पर अब हम ये जो बर्फ़ी है वो निकाल देते हैं इस तरह से, और नीचे का जो फॉइल पेपर है उसे भी हम निकाल देंगे। आप देख सकते हो ये जमने के बाद कितने इजीली फॉइल पेपर निकल जाता है। अब हम इसे एक चाकू की सहायता से उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। आप पीसेस की जो साइज़ है आप अपने मनपसंद अनुसार कर सकते हो, आप छोटे या बड़े पीसेस निकाल सकते हो। आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट हमारी ये बर्फ़ी अब रेडी हो चुकी है। इस तरह से हमने बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में घर पे ही इजीली तरीके से कैसे मैंगो बर्फ़ी बना सकते हैं ये आपको दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए, ये जो हमारी मैंगो बर्फ़ी है पूरी तरह से अब खाने के लिए रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो और अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच जाए।